नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जनपद जालौन में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी है। आज फिर से पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के कुशल नेतृत्व में सर्विलांस टीम स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और उरई कोतवाली पुलिस को एक अहम सफलता मिली है। जनपद जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के मडोरा में स्थित फार्म हाउस के चौकीदार की गला रेतकर हत्या कर शव को पेट्रोल डालकर जलाने और एक ट्रैक्टर और बोरिंग मशीन चोरी कर भागने के मामले में चार छात्र बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने मीडिया में खुलासा करते हुए बताया है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सर्विलांस टीम और उरई कोतवाली पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत ये सफलता मिली है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचे, कारतूस और हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के जनपद और अन्य जनपदों और दूसरे राज्यों में भी आपराधिक इतिहास भी खंगाले जा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के नाम प्रदीप कुमार उर्फ छोला पुत्र बाबू सिंह, कैलाश पुत्र देवीशंकर, नाहर सिंह पुत्र रणजीत सिंह, दौलत सिंह पुत्र मन्नू यादव बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है और अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम की हौसला अफजाई की है। खुलासा किया पुलिस ने, क्या पूरा प्रकरण? 16 जनवरी को श्री कृष्ण मुरारी मिश्रा के हाथे में एक उनका चौकीदार रहता था धर्म सिंह नाम का। रात में करीब 10 बजे यह सूचना मिली कि उसकी हत्या कर दी गई है और उसकी लाश को छिपाने के लिए उसमें आग भी लगा दी गई है और एक बोरिंग मशीन और ट्रैक्टर लेकर के वो लोग चले गए हैं। उनकी तारीख सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया गया। पूरा प्रकरण अज्ञात था। इसके अनावरण के लिए दो टीमें क्षेत्राधिकारी नगर श्री संतोष कुमार के नेतृत्व में गठित की गई। एक का नेतृत्व श्री सुधाकर मिश्रा जी कर रहे थे और दूसरे के स्वाट के प्रभारी और सर्विलांस के टीम शामिल थे। इस घटना का अनावरण किया गया। कल रात में करीब 11 बजे के बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल हुई इस टीम को। इनके पास से 2 अदद कट्टा, 4 अदद चाकू, 4 कारतूस और जो अभियुक्त का मोबाइल फोन था वो बरामद हुआ। सर, अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास है या पहले से भी? जो एक प्रदीप कुमार है ये इनके पास यहाँ साल भर पहले काम कर रहा था और उसको पूरी जानकारी थी कि ये लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, चौकीदार से भी परिचित था और 3 लोगों को वो बुला करके लाया था। चारों अभियुक्त देरापुर थाना कानपुर देहात के रहने वाले हैं। कुछ सस्पेक्टेड लोग हैं कि ये सब लोग पकड़ गए? जितने लोग इसमें शामिल थे सब पकड़ गए हैं। 4 लोग शामिल थे, 4 पकड़ लिए गए और ये घटना को कबूल भी कर लिया। सर, ये अपराधी किस योजना के तहत वहाँ पहुँचे? इनका उद्देश्य ये था कि ये बोरिंग मशीन और ट्रैक्टर को ले जाएंगे। सर, पुलिस टीम को कुछ इनाम मिला? 5,000 रुपये का टीम को इनाम देने की प्रशंसा किया।